सो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लिमरा एक सोच। आपकी सोच, हमारी सोच, हम सबकी सोच, लिमरा एक सोच। लिमरा की सोच है आपको एजुकेशन देना है। आप एजुकेटेड बने, आप सोसाइटी में आगे बढ़े और आप लोगों से नजरों से नजर मिलाकर बात कर सके। पर ये कब आएगा? जब आपके अंदर एजुकेशन आएगा। इसी एजुकेशन को हम कंटिन्यूएशन सीरीज में लाएंगे, जो हम साइंस में अभी हमारे जो लाइट चैप्टर है जिसपे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि रिफ्लेक्शन, फिर आगे आएगा इंटरफेरेंस आएगा, फिर आपका डिफ्रैक्शन आएगा, फिर पोलराइजेशन आएगा। हम इन सब पे बात करेंगे, एक एक करके सब चीजों को हम स्टडी करेंगे। हम लाइट को जो पूरी जो सीरीज ले रहे हैं, हम उसके पूरे डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहे हैं और एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हम करते चले जाएंगे कि आपको समझ में आए कि ये चीजें क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन क्या है, डिफ्रैक्शन क्या है, इंटरफेरेंस क्या है। ठीक है, हम बात करेंगे, फ्यूचर क्वेश्चन भी बात करेंगे, पर जो आज हम बात करेंगे वो बात करेंगे रिफ्रैक्शन पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी रिफ्लेक्शन पे आपसे बताया, आपको समझाया कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, फिर हमने ये बताया आपको कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं। ठीक है ना, तो आज जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। देखो यहाँ पे ये जो वर्ड है आपके रिफ्रैक्शन, तो क्या होता है रिफ्रैक्शन? तो रिफ्रैक्शन क्या है? इट इज अ फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम टू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तब हम उसे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन, यहाँ पर एक और वर्ड आपको मिलेगा ट्रांसमिशन। ये जो वर्ड है ना, देख रहे हो, कहते हैं ना शब्दों में क्या रखा है, शब्दों में ही बहुत कुछ रखा है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप ये समझे रिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन। तो ये जो वर्ड है रिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन, आपको इन सब वर्ड को अच्छे तरीके से समझना होगा। क्यों? व्हेन यू विल गो टू गो इन बीएससी, जब आप बीएससी में जाओगे, जब आप फिजिक्स लेते हो, फिजिक्स ऑनर्स सब्जेक्ट रखो, या फिर सब्सिडियरी में लेते हो, या फिर आप ट्वेल्थ में लेते हो फिजिक्स, जब आप पढ़ोगे इलेवेंथ में, तो हर जगह आपको ये कंसेप्ट मिलेगा कि ट्रांसमिशन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, इंटरफेरेंस क्या है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इन चीजों को अच्छी तरीके से समझ लो, ये आपको काम देगा। ठीक है ना, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जैसे मान चलो ये आपका, हमने ले लिया एक ग्लास, ले लिया क्या, ले लिया प्लेन ग्लास। यहाँ पे मान चलो ये जो मीडियम है, ऊपर वाला मीडियम क्या है? एयर है, और नीचे वाला मीडियम आपका क्या है? ग्लास है। या तो ग्लास ले लो या फिर वाटर ले लो, हम एक काम करते हैं वाटर ही ले लेते हैं। यहाँ पे आपके बुक में भी दिया है, ठीक है, इस चीज को आपको समझने में आसानी होगा। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता था, लाइट का जब होता था वो क्या होता, सेम मीडियम में वापस चला जाता था, पर यहाँ पे क्या है? रिफ्रैक्शन है। लाइट यानी यहाँ पे क्या, एटलीस्ट आपको दो मीडियम चाहिए। आप बोलोगे सेम मीडियम में हो सकता है, हो सकता है सेम मीडियम में भी, पॉसिबल है, बट उसके लिए आपका वहां पे देखना पड़ेगा कि वो होता है बहुत माइन्यूट लेवल पर होता है, बहुत स्मॉल लेवल पर होता है। ठीक है, जहां पर आपको वाटर ड्रॉपलेट आ जाएगा किसमें, एयर में, एटमोस्फेयर में, तो वहां पर फिर आपका पॉसिबल है। जनरली जो हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन, हमेशा एटलीस्ट आपका दो मीडियम होना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई बोलता है वन मीडियम में, ओनली सेम मीडियम में होगा, तो वो भी पॉसिबल है। यस, आंसर इज यस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, दो मीडियम लिया, एक मीडियम एयर और एक मीडियम वाटर। एयर से वाटर में लाइट आएगा तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे आप लोग याद करो, हमने जब पढ़ा था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो होता था उस पर एक अगर परपेंडिकुलर बनाया जाए, ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो जब लाइट यहां से आएगा, लाइट यहां से आया, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, याद है ना, और जब यहां से ये इधर चला आएगा इंसिडेंट रे, और ये क्या हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टेड रे, जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन रे। अगर सपोज मैंने इसका नाम दे दिया ए ओ और ये दे दिया बी एंगुलर, तो यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा ए ओ, तो आपका जो रे ए ओ है ये क्या हो गया इंसिडेंट रे। एंगल आई जो है वो क्या हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर जो है वो क्या हो जाएगा आपका
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ठीक है और ओबी ये आपके हो जाएंगे रिफ्रैक्टेड रे। तो मैंने चार चीज बताया इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और आपका रिफ्रैक्टेड रे। तो लाइट का क्या हो रहा है देखिए आप यहां पे बेंडिंग हो रहा है ये नॉर्मल है ये तो लाइन है आपने सपोज इसको नाम दे दिया एन एंडस ये नॉर्मल है 90 डिग्री है तो एन एंडस नॉर्मल है ना। तो आप देखें जब लाइट एयर से कहां जा रहा है वाटर में जा रहा है इसकी स्पीड क्या हो जाएगी घटेगी सेम रहेगी या ज्यादा हो जाएगी इस स्पीड विल डिक्रीज उसका स्पीड क्या हो जाएगा घट जाएगा ठीक है। जब हम एयर से वाटर में जाएंगे स्पीड विल डिक्रीज स्पीड विल गो डाउन क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहां पर कॉन्सेप्ट आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसको हम किसे डिनोट करते हैं दो तरह से डिनोट करते हैं कुछ बुक में आपको मिलेगा स्मॉल एन कुछ बुक में मिलेगा न्यू यानी एम को पैरालाइज कर दो एम का आपने क्या किया पैरालाइज कर दिया तो ये बन गया आपका म्यू। तो इस तरह से आपको लिखने को मिलेगा वन म्यू टू या फिर एन के केस में लिखा रहता है वन एन टू ठीक है। तो दो मीडियम का जब हम रेशियो लेते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। बात करेंगे हम इस पर भी बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है फिर वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट आएगा फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आएगा टाइम पीरियड का आएगा। और ये इसीलिए मैं कहता हूं ना आपको जब तक आपकी बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है आपके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट गुड मार्क्स एंड टू एक्सप्लेन टू समवन एल्स। अगर आपको किसी को समझाना है इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू एक्सप्लेन बिकॉज यू डोंट नो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सो दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज टेलिंग टू यू यू हैव टू वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट्स यू हैव टू वर्क ऑन योर फंडामेंटल विदाउट नोइंग फंडामेंटल विदाउट नोइंग कॉन्सेप्ट्स इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू टीच एनीवन एंड टू एक्सप्लेन एनीवन एंड ऑल्सो इट्स not possible for you to secure good marks. If you want to secure good marks, your concept should be clear and you have to know each and everything in detail manner. Hope you will understand. So we have already discussed here incident ray, reflected ray, normal and here what is happening? Light going from one medium to another medium and when it goes from one medium to another medium, the light gets bent towards the normal. ये बात समझ में आया ना यानी जब इस मीडियम आया तो लाइट क्या हो गया नॉर्मल की तरफ आ गया इसीलिए हमने इसको क्या कहा आपका रिफ्रैक्शन। अब एक वर्ड आएगा रेयरर मीडियम और एक आएगा डेंसर मीडियम देखे यहां पे होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। तो रेयरर मीडियम वो मीडियम होता है जहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा होती है एक खाली जगह है कोई भी इंसान दौड़ के जा सकता है सपोज ये स्पेस पूरा खाली है कोई भी आएगा दौड़ के भाग सकता है जा सकता है उसके लिए स्पेस है। पर अगर यही स्पेस डेंस हो जाए अगर यहां पर 10 लोग हो जाए तो फिर आपको जाने में आप अपनी स्पीड से भाग नहीं सकते हो। सेम वे यहां पर भी अगर एयर है खाली जगह है बिल्कुल हवा है लहरों को चीरकर नौका पार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती तो लहरों को चीर करना तो वाटर को जब आप लहर चीराएगा तो इसका मतलब क्या है वो आपका डेंसर मीडियम है जहां पर पहले से कुछ है जिसको बोलते हो घनत्व बोलते हो ना डेंस थिकनेस लिक्विड की थिकनेस जो होती है। तो डेंसर मीडियम में हमेशा स्पीड क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और रेयरर मीडियम में स्पीड ज्यादा होता है। तो लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल वो नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। लेकिन एक और कंसेप्ट आएगा जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगा इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये क्या हो जाएगा नॉर्मल से अवे हो जाएगा दूर हो जाएगा दूरी बनाना शुरू कर देता है। तो पहले आप इसको ड्रॉ करो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका नेक्स्ट पार्ट क्या समझना है आपको। तो देखो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो डिस्कस करना था हमें ठीक है ना स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था। देखो यहां पर सपोज मैंने बोला एक गिलास है ये ठीक है ये आपका हो गया रेयरर मीडियम और ये आपका हो गया डेंसर मीडियम
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ले लो और वहां पर फिर नॉर्मल ड्रॉ करें, लेना ठीक है। अब यहां पे मेरे बच्चों देखो, यहां पे समझो, अच्छे तरीके से समझो, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या बताया था, जब लाइट रेयरर से डेंसर जाएगा तो ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल नहीं होगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ है ना, की तरफ, इसकी तरफ आ रहा है ना। तो ये आई एंगल था, ये आर एंगल था। लेकिन अगर इसका दूसरा पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा वो देखिए, अगर लाइट को हम डेंसर से रेयरर में लेके जाए तो देखना ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ना ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। कैसे, ये आपका यहां पे क्या है नॉर्मल, देखिए यहां पे ये रेयरर ये डेंसर, हम लाइट यहां से ले जाते हैं, डेंसर से रेयरर ले जाएंगे, उस केस में क्या होगा, लाइट जो है आपका ये साइड नहीं जाएगा बल्कि इधर चला जाएगा। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। जो इसको आपने नाम दे दिया ए ओ, तो देख रहे हो लाइट अगर आपका डेंसर से रेयरर जाएगा तो नॉर्मल की तरफ नहीं आया, नॉर्मल से दूर भाग गया, और जब रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ आ रहा है। ये डिफरेंस होता है, क्यों होता है जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोचो ना यहाँ पे कैद में था कोई चीज, कैद में पिंजरे में है, और ये उसको जैसे खाली जगह मिला, बेड़ी को तोड़ दिया, पिंजरों को तोड़ दिया, तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, स्पेस मिलेगा, तेजी से भागेगा। और ये क्या है, आप कैद में आ रहे हो, तो कैद में आ रहे हो तो आपके पास स्पेस क्या हो गया, कम हो गया ना, जब कम स्पेस होगा तो इसी तरह से आप कंसेप्ट समझो, लाइट रेयरर से डेंसर आएगा वेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयरर जाएगा वेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्लियर। ये जो वर्ड है जो रिफ्रैक्टेड रे है वेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहां पे तो ये जो है ओबी जो रिफ्रैक्टेड रे है बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रीजन डेंसर से रेयरर, ये रेयरर टू डेंसर, क्लियर है, दिस इज द कंसेप्ट। अब इसी के बाद एक कंसेप्ट आता है जो मैंने आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो समझना है क्या होता है, ये अगर आप समझेंगे इसके बाद फिर आपका आएगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे हमने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पर पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब इस टॉपिक में हम बात आज करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे उसमें हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, स्नेल्स लॉ की बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे और भी प्रश्न आएंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे, इमरजेंट रे की बात करेंगे, सब बात करेंगे, एक एक करके हम हर बात करेंगे, इंटरफेरेंस की बात करेंगे, जब वक्त आएगा इंटरफेरेंस भी डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये आपका हो गया रेयरर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम। जब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट मैंने आपको बताया एम से डिनोट कर दो या फिर एम को पैरालाइज कर दो, यानी न्यू ये होता है या फिर ये होता है, दोनों में किसी एक सिंबल से आप यूज कर सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, ये आपका मीडियम यानी फर्स्ट मीडियम, या स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम का क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पे स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, हो गया। तब हम इसको क्या लिखेंगे वो देखिए, यहां पे न्यू से लिखे या फिर एन से लिखे, मैंने क्या लिखा एन लिख दिया है ना। अब ये चीज आपको समझना जरूरी है, देखो यहां पे मैंने यहां पे क्या लिखा वन एंड टू, तो ये क्या हो जाएगा रेयरर मीडियम का स्पीड, इसको मान लो मीडियम वन, और डेंसर मीडियम को क्या मान लो आप मीडियम टू मान लो, तो इसको हमने क्या लिख दिया वी वन बाय वी टू, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
ठीक है। और इसमें मैं थोड़ा और बात करूंगा, यहाँ पे एक चीज आपको समझना है लॉ के बारे में कि वो चलो ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको स्नेल्स लॉ, ठीक है, उसमें मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अदरवाइज ये वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर आपको भी मजा नहीं आएगा। तो आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको अच्छा लगता है आप कमेंट करके बताएं आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, व्हाट डू यू वांट, आपको और इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सॉर्ट आउट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, और हम और अच्छे तरीके से वीडियो लाएंगे और अच्छे भी कंटेंट लाएंगे। आपके जैसे डिमांड्स होंगे हमारे व्यूअर्स के, हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते चला रहे हैं। होप यू विल लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब चैनल, सी यू।